हेलो बच्चों हमारा प्रश्न है रेखीय गति के लिए वेग समय वक्र चित्र में दर्शाया गया है आठ सेकेंड बाद मूल कण मूल कण बिंदु से विस्थापन होगा इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी है चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं बच्चों अगर कोई भी ग्राफ जो है वी वेग और समय में दिया हो तो हमें इसका जो एरिया होता है जो यहाँ पर एरिया बनेगा मान लीजिए कोई भी एरिया है जो भी इस ग्राफ का एरिया बनेगा वो हमें क्या दिखाएगा वो हमें दिखाएगा विस्थापन वो हमें विस्थापन दिखाएगा अब वो कैसे वो आइए हम दिखा जानते हैं v बराबर क्या होता है ये होता है ds एस बाई डी टी को लिख सकते हैं v dt दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वी डी टी ये आ जाएगा हमारा वी इंटू डी टी वी इंटू डी टी क्या बताता है ये हमारा एरिया है यानी जो ग्राफ है वी और डी टी के बीच में तो अगर उनका हम एरिया निकाल लेंगे तो हम जो है उसका जो है विस्थापन जान जाएंगे तो हमसे पूछ रहा है कि मूल बिंदु से आठ मूल बिंदु से कण का जो है आठ सेकेंड बाद यानी आठ सेकेंड बाद कड़े एक यहाँ था और फिर यहाँ पर आ गया तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इसका जो है इसका जो है अगर हम एरिया फाइंड कर देंगे एरिया फाइंड कर देंगे तो जो है हमें आंसर मिल जाएगा तो यहाँ से देखें इसका जो एरिया है अगर हम देखें तो एक ये क्या बन रहा है ये ट्रेपेजियम बन रहा है यानी ये एरिया वन हो गया और ये क्या हो गया एरिया टू आपका हो गया तो हमारा पूरा हो जाएगा इस ट्रेपेजियम के लिए जो एरिया निकालेंगे वो हो जाएगा एक बटे दो ये लंबाई प्लस ये लंबाई यानी ये लंबाई कितनी है चार प्लस ये लंबाई कितनी है दो और हाइट कितनी है हाइट है चार माइनस अच्छा ये माइनस में क्यों होगा क्योंकि अगर हम देखें यहाँ इस जो वेग है हमारा ऋणात्मक दिशा में जा रहा है तो इसलिए हमारा जो है ये निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा तो फिर एक और ट्रिपोजियम बना है ट्रिपोजियम देखें तो इसका जो है ये यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना वालासिटी का तो इसलिए हमको निगेटिव करना पड़ता है तो यहाँ पर देखें तो एक बटा दो और ये कितना दूरी हो गया चार से आठ यानी चार प्लस ये दूरी दो और ये हाइट कितनी हो गई है दो अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा चार दो छः और ये आपका आ जाएगा बारह माइनस चार दो छः ये चार दो छः है तो ये कट के हमारा कितना आ जाएगा छः सेंटीमीटर यानी जो हमारा उत्तर होगा आठ सेकेंड बाद जो विस्थापन है वो 6 सेंटीमीटर होगा यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है थैंक यू